हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी आज मैं आपके लिए जिस प्रोजेक्टर का रिव्यू लेकर आई हूं उसे मैं लास्ट पंद्रह दिनों से टेस्ट कर रही हूं मुझे ये प्रोजेक्टर 4K बताकर रिव्यू के लिए भेजा गया था लेकिन जब हमने इसे टेस्ट किया तो पाया कि ये एक बेहतरीन प्रोजेक्टर तो है लेकिन इसका नेटिव रेजोल्यूशन फोर नहीं है ये फोर इनपुट कम्पैटेबल है हम बात कर रहे हैं ऑप्टोमा जी टी वन जीरो एट जीरो की जो फुल एच डी नेटिव रेजोल्यूशन के साथ सिनेमा हॉल जैसी पिक्चर क्वालिटी में कॉन्टेंट देख सकते हैं इस पे आपको एक्टिव शटर ग्लासेस के थ्रू रियल थ्री डी एक्सपीरियंस भी मिल जाता है ये प्रोजेक्टर फोर के कम्पैटेबल है जिसका मतलब ये है की ये ट्रू फोर के सपोर्ट के साथ आता है इस प्रोजेक्टर पे जब आप नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो डिज्नी हॉटस्टार और Z5 के 4K कंटेंट को देखेंगे तो स्क्रीन पे रेजोल्यूशन 4K ही लिखा आएगा जो फेक 4K सपोर्ट वाले फुल एचडी प्रोजेक्टर्स आते हैं उन पे आपको कभी भी नेटफ्लिक्स और इन सब एप्लीकेशंस के किसी भी कंटेंट पे 4K UHD लिखा नहीं दिखेगा और यहाँ मैं आपको बता दूं कि कोई भी नेटिव फोर के प्रोजेक्टर डेढ़ लाख से कम में नहीं आता है वो शॉर्ट थ्रो नहीं होते हैं जो ये प्रोजेक्टर है ये प्रोजेक्टर गेमर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है इस वीडियो में मैं आपको इसपे फोर के एस गेमिंग भी पी के थ्रू करके दिखाऊंगी इस समय ऑप्टोमा का ये प्रोजेक्टर 1.40 लाख का है इसकी परचेज लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो चलिए अब ये वीडियो इस प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं ये है ऑप्टोमा जी टी वन प्रोजेक्टर जो इस तरह के बॉक्स में आता है बॉक्स के अंदर प्रोजेक्टर के अलावा एक पावर कॉर्ड एक रिमोट दो ट्रिपल ए बैटरीज और एक यूजर मैनुअल गाइड रखी आती है बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात की जाए तो ये प्रोजेक्टर ऑफ वाइट ग्लॉसी फिनिश में आता है प्रोजेक्टर की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और देखने में भी ये प्रीमियम फील देता है आगे की ओर और साइड्स में इस तरह की लाइन डिजाइनिंग दी गई है साइड में इन्हीं लाइंस के बीच में वेंटिलेशन के लिए ओपन स्पेसेस दिए गए हैं लेंस के ऊपर का कवर फ्रॉस्टेड प्लास्टिक मटेरियल से कंस्ट्रक्ट किया गया है जिसे एक थ्रेड की हेल्प से प्रोजेक्टर से अटैच किया गया है कवर हटाने के बाद आपको एक लेंस नजर आएगी ये एक बल्जिंग शॉर्ट थ्रो लेंस है जो ऑर्डिनरी प्रोजेक्टर लेंसेज से कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट होती है इसी लेंस के चलते इस प्रोजेक्टर को स्क्रीन के बहुत पास रखकर भी आप बहुत बड़ी स्क्रीन प्रोजेक्ट कर सकते हैं लेंस के ठीक ऊपर एक फोकस व्हील दी गई है और लेंस के साइड में आईआर ब्लास्टर है पीछे की ओर सारे फिजिकल बटन्स दिए गए हैं और उसी के साइड में ऑप्टोमा की ब्रांडिंग दी गई है पीछे की ओर दो एचडीएमआई पोर्ट्स दी गई हैं जिनमें से फर्स्ट वाली HDMI वर्जन टू पॉइंट ओ के साथ आती है जिसका HDCP डी सी पी वर्जन टू पॉइंट टू है वही दूसरी HDMI डी एम आई का वर्जन वन पॉइंट फोर है और उसका HDCP डी सी पी वर्जन टू पॉइंट टू है फर्स्ट एस डी एम आई फोर के एट सिक्सटी हर्ट विदी आर सपोर्ट के साथ आती है जबकि सेकेंड एच डी एम आई एम एच एल केबल और फोर के एट आती है उसके बगल में एक यूएस बी पावर है जो चार्जिंग सपोर्ट करती है आप फायर स्टिक को भी इस यू एस बी के थ्रू पावर प्रोवाइड कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ एक वीजीए इन एक वीजीए आउट और एक आर एस टू थर्टी टू पोर्ट दी गई है एक्सट्रीम राइट साइड में एक ऑडियो इन और एक ऑडियो आउट पोर्ट दी गई है यहाँ लेफ्ट साइड में नीचे की ओर एक पावर पोर्ट दिया गया है जिसके साइड में एक एंटी थेफ्ट लॉक दिया गया है नीचे के सर्फिस पे रबर लेग्स के अलावा इस प्रोजेक्टर की कंप्लीट डिटेल्स दी गई है ओवरऑल लुक में ये प्रोजेक्ट एक प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के साथ आता है रिमोट की बात की जाए तो ये एक के साथ आता है जो हाथों में कंफर्टेबल ग्रिप प्रोवाइड करता है है साथ साथ ही इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी रिमोट में आपको इल्यूमिनेटेड बटन मिल जाते हैं और ऑलमोस्ट सारे ही फंक्शन के बटन दिए गए हैं अब बात करते हैं कंपनी गिव फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की तो ये डीएलपी प्रोजेक्टर फोर के इनपुट को सपोर्ट करता है जिसे वो डाउन करके इस एक्टर के नेटिव रेजोल्यूशन 1080p में प्ले करता है इसमें एस डी आर टेन सपोर्ट दिया गया है साथ ही साथ सिक्स सेगमेंट कलर व्हील दी गई है जो एस आर जी बी और रेक्सरोक्नोलॉजी के साथ आता है जिससे इसमें आपको डीप ब्लैक्स और हाई कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिल जाता है इसमें इनहांस गेमिंग मोड के साथ साथ एट पॉइंट फोर मिली सेकेंड का फास्ट रिस्पॉन्स टाइम दिया गया है इसके अलावा इस प्रोजेक्टर में वन ट्वेंटी हर्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है ये एक शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर है जो चार फीट की दूरी से ही वन ट्वेंटी इंचेस की बड़ी स्क्रीन बना देता है इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड एनसी ल्यूम है और कंट्रास्ट रेशियो फिफ्टी थाउजेंड इज वन है इस प्रोजेक्टर के लैम्प की लाइफ फिफ्टीन थाउजेंड आज है इसमें एम एच एल कनेक्टिविटी दी गई है जिसका मतलब ये है कि आप एम एच एल केबल के थ्रू इस प्रोजेक्टर को अपने फोन से कनेक्ट करके अपने फोन या फिर टैबलेट्स के कॉन्टेंट को बड़ी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं एस डी एम आई सिग्नल मिलते ही ये प्रोजेक्टर ऑटो स्विच ऑन हो जाता है जिससे दोनों ही यानी कि प्रोजेक्टर और आपका एस डिवाइस एक साथ स्विच ऑन हो जाते हैं इस प्रोजेक्टर में 40 डिग्री वर्टिकल की स्टोन कनेक्शन दिया गया है और ऑडियो के लिए 10 वोट का स्पीकर है ये तो थी कंपनी द्वारा दी गई स्पेसिफिकेशंस। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्टर के रियल परफॉर्मेंस की तो इस प्रोजेक्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि आप बहुत ही कम डिस्टेंस से इस प्रोजेक्टर के थ्रू बहुत बड़ी स्क्रीन बना सकते हैं जो दूसरे सिंपल डीएलपी प्रोजेक्टर्स के थ्रू पॉसिबल नहीं है सिर्फ 1.6 मीटर की दूरी से आप इस प्रोजेक्टर के थ्रू 150 इंच की स्क्रीन प्रोजेक्ट कर सकते हैं और सिर्फ 3.3 फीट की दूरी से आपको 90 इंच की स्क्रीन मिल जाती है इस प्रोजेक्टर का कलर रिप्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया है जो रियल लाइफ इमेजेस जैसा ही दिखता है इस प्रोजेक्टर के थ्रू आपको बिल्कुल सिनेमा हॉल जैसा कलर रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाता है पिक्चर्स सुपर रिफाइंड होने के साथ-साथ रियलिस्टिक लगती हैं इस प्रोजेक्टर के थ्रू आप बिल्कुल सिनेमा हॉल जैसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस अपने घर में पा सकते हैं इसके थ्रू प्रोजेक्ट की गई पिक्चर्स में ब्लैक्स काफी डीप देखने को मिल जाते हैं और पिक्चर्स में डिटेल्स बहुत ज्यादा विजिबल होती है पिक्चर्स में डिजिटल नॉइज बहुत ही नेग्लिजेबल होती है जिससे व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी इनहस हो जाता है ब्राइटनेस की की बात की जाए तो इसे ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर तो नहीं बोला जाएगा लेकिन ब्राइटनेस काफी अच्छी है जो सिनेमा हॉल जैसा व्यूइंग एक्सपीरियंस दे देती है प्रोजेक्टर्स में बहुत ज्यादा शार्पनेस और ब्राइटनेस सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए सही होता है जिस प्रोजेक्टर पे पिक्चर्स थोड़ी सॉफ्ट होती है हो, और ब्राइटनेस सफिशियंटली गुड होती है उसी पे आपको सिनेमेटिक एक्सपीरियंस मिलता है आपने मार्क किया होगा कि सिनेमा हॉल में भी पिक्चर्स ज़्यादा शार्प नहीं होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं जिससे एक रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिलता है और यही इस प्रोजेक्टर के साथ भी है इसकी पिक्चर क्वालिटी सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टेड मूवीज़ के बहुत ही करीब है ये प्रोजेक्टर उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया चॉइस है जो बड़ी स्क्रीन बनाना तो चाहते हैं लेकिन उनके रूम में प्रोजेक्टिंग डिस्टेंस ज्यादा नहीं है ये प्रोजेक्टर घर बैठे आपको एक जॉइंट स्क्रीन पे मल्टीप्लेक्स जैसा एक्सपीरियंस देने की कैपेबिलिटी रखता है ऐसे तो आप इस प्रोजेक्टर को थोड़ा डिमली लिट रूम में भी डिमलीय कर सकते हैं लेकिन डार्क रूम में इसका परफॉर्मेंस बेस्ट लगता है फोर के कॉन्टेंट की पिक्चर क्वालिटी सुपर रिफाइन मिलती है और एस का फंक्शन इस पे बहुत बढ़िया से काम करता है एच डी आर फिल्म मोड में बहुत बढ़िया सिनेमैटिक पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है इस प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी सुपर्ब है जब आप 4K मूवीज इसके थ्रू प्ले करेंगे तो ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है कि वो फुल एच में प्ले हो रही है या 4K में पिक्चर्स का रेजोल्यूशन इतना बढ़िया लगता है कि पिक्चर क्वालिटी 4K जैसी ही लगती है अभी तक मैंने जिन भी प्रोजेक्टर्स का रिव्यू किया है चाहे वो ब्रांडेड ही क्यों ना हो ये प्रोजेक्टर अपनी सिनेमाटिक पिक्चर क्वालिटी से उन सबको बहुत ही पीछे छोड़ देता है इस पे मूवीज देखना एक वर्चुअल ट्रीट है जो घर बैठे आपको बिल्कुल सिनेमा हॉल वाली फील दे देता है 4K HDR एच डी आर कॉन्टेंट बहुत ही बढ़िया दिखते हैं अंधेरी की एक एक डिटेल बहुत क्लियरली विजिबल होती है इस प्रोजेक्टर के थ्रू कॉर्नर्स पे भी आपको बहुत हद तक एक ब्लर फ्री व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल जाता है नॉन एस डी आर कॉन्टेंट देखते समय सिनेमा और एस आर जी बी मोड में बेस्ट पिक्चर क्वालिटी मिलती है जूम फीचर भी आपको इस प्रोजेक्टर में मिल जाता है जो पिक्चर्स को अच्छे से जूम इन करके बहुत बड़ा कर देता है बस ये याद रखिए कि आप जिस एस डी एम आई शो से कॉन्टेंट प्ले कर रहे हो वो रियल एस डी आर टेन इनेबल्ड होना चाहिए मैंने जब इस प्रोजेक्टर को मी एंड्रॉय टीवी बॉक्स से कनेक्ट किया तो ये प्रोजेक्टर एस मोड में नहीं गया जबकि कूल बॉक्स कनेक्ट करते ही प्रोजेक्टर ऑटोमेटिकली एच मोड में कंटेंट प्ले करने लगा ऑडियो की बात की जाए तो इस प्रोजेक्टर की ऑडियो क्वालिटी बहुत बढ़िया है डायलॉग्स क्रिस्टल क्लियर सुनाई देते हैं और एक स्मॉल या मीडियम साइज रूम में भी अच्छी तरह से ऑडिबल होते हैं लेकिन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए आपको इसके साथ भी एक साउंड बार या होम थिएटर की जरूरत पड़ेगी ही प्रोजेक्टर के फैन की की बात की जाए तो वो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग तो नहीं है लेकिन ऑडियो के एब्सेंस में थोड़ी ऑडिबल जरूर होती है इस प्रोजेक्टर के थ्रू आपको बहुत बढ़िया रियल थ्री एक्सपीरियंस मिल जाता है आप एक्टिव शटर ग्लासेस के थ्रू कम्प्लीट डार्क रूम में बहुत अच्छे से थ्री मूवीज इंजॉय कर सकते हैं गेमर्स के लिए इस प्राइस पॉइंट पे ये प्रोजेक्टर एक अट्रैक्टिव पैकेज है 120 ट्वेंटी हर्ज रिफ्रेश रेट लो इनपुट लैक और फास्ट रिस्पांस टाइम इस प्रोजेक्टर को गेमिंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बनाता है बहुत ही कम डिस्टेंस से बड़ी स्क्रीन बनाकर आप इस पे अच्छे से गेमिंग एंजॉय कर सकते हैं बड़ी स्क्रीन पे गेमिंग करते समय ऐसा लगता है जैसे आप सचमुच वहीं पे हैं जहां एक्शन हो रहा है इस प्रोजेक्टर के थ्रू गेमिंग बहुत ही स्मूथ बिना किसी लैग के होती है और 120 ट्वेंटी हर्स के रिफ्रेश रेट की वजह से इस प्रोजेक्टर की मोशन हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत ही बढ़िया है PS5 4K HDR गेमिंग आप इस पे बहुत ही स्मूथली कर सकते हैं हालांकि ये प्रोजेक्टर 4K रेजोल्यूशन को डाउनस्केल करके नेटिव फुल एचडी कर देता है लेकिन स्क्रीन पे आपको 4K ही लिखा दिखेगा एनहांस्ड गेमिंग मोड में आपको 1080p 60Hz पे 16.4 मिलीसेकंड का इनपुट लैग मिल जाता है जबकि 1080p at 120Hz पे आपको 1.4 मिलीसेकंड का इनपुट लैग मिलता है एंड में मैं यही कहूंगी कि अगर आप छोटे स्पेस में बहुत बड़ी स्क्रीन प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जिससे आपको बिल्कुल सिनेमा हॉल वाला एक्सपीरियंस मिल जाए तो ये शॉर्ट थ्रो थ्रोजेक्ट अपने पैसों के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है जिसपे आपको बढ़िया रिफ्रेश रेट मिल जाता है जो बहुत हद तक आपको एक ब्लर फ्री व्यूइंग एक्सपीरियंस दे देता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अब मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ